ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आँखें ले देख कर जी रहे हैं सभी। फिर शुरू हो गए तुम्हारे चोचले। देखो जी फंक्शन हल्यान से बहुत दूर है, बसों में लटक लगे, मैं नहीं आने वाली, कैब बुक करो तो आती हूँ नहीं तो नहीं आती। जाने बहार जाने मन, इन सफेद सफेद कपास जैसे बालों की कसम, मैं तुम्हारे लिए कैब तो क्या हेलीकॉप्टर तक बुक कराऊंगा। हेलीकॉप्टर बुक करा दे, हेलीकॉप्टर। सूरत देखो, ये मूंग की दाल। मूंग की दाल नहीं जाने मन, इसे मसूर की दाल कहते हैं। अजी जो मेरे को दाल पसंद वही दाल का नाम लूंगी ना, समझे? भाभी तुम खुशियों का खजाना, धिक तना धिक तना धिक तना। अरे भाभी आपको फंक्शन में जाना है, अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे अमजद तैयार बैठी ना मैं कब से। अरे क्या भाभी, 2 साल से देख रहा हूँ आपको मैं, हर फंक्शन में यही साड़ी पहन के जा रहे, क्या दूसरी नहीं है आपके पास? सुने क्या जी? सुना भरा नहीं हूँ मैं। इनको तो जर्री भी शर्म नहीं है, ऊपर वाला इनको 2 काना इस वास्ते दिया, ये कान से सुनो ये कान से छोड़ दो बोल के। हीना इसमें शर्म की क्या बात है? और नहीं तो क्या अमजद, 2 साल से बोल रही हूँ, 2 साल से बोल बोल के मेरी जुबान थक गई, एक जोड़ा दिलाओ बोल के, एक जोड़ा छोड़ो, इनके कान पे जून तक नहीं रहेंगे। भाभी सर में बाला है तो जुआ रहेंगे ना। हाँ मैं सुना जुओं को सफेद सफेद बाला बहुत पसंद है, कहते बहुत पसंद है। चुप बैठा जी। भाभी ताने मार रहे नो ताने। अच्छा अमजद अब तू भी बोलने लग गया, तो सुन, मकान का किराया, लाइट का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, पेट्रोल का बिल, ये सब जाने के बाद काम बस से मिया पैसे। अमजद फिर से शुरू होगा इनका बिलों का वजीफा, सर पे चावला पड़े, देखो तब से सुन रही हूँ इनके बहुत। नहीं अमजद कभी भी बोलो, कुछ भी दिलाओ बोलो, शॉपिंग पे लेके जाओ बोलो बिल्ला जाती, साड़ी दिलाओ बोलो बिल्ला जाती, कहीं घूमने लेके जाओ बोलो बिल्ला जाती, बिल 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 हर बार बिल। तुम चूहे हैं जी जो बिल खोदते रहते हैं। भाभी आप परेशान मत हो, जैसा मेरे को पहली सैलरी मिल जाएगी ना आपके लिए एक जबरदस्त साड़ी लेके आ जाता। लुटाओ 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 बेटा, जब 3 बार खुबूल है बोल के बोलते ना, जब मैं देखता हूँ कैसा लुटाते की। दीदी 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 वो दीदी 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 वो क्या हुआ, कहीं को इतना परेशान है? दीदी वो पुप्पू पुप्पू क्या हुआ पुप्पू को? अरे पुप्पू पुप्पू अरे पुप्पू बात ही नहीं कर रहे हो ना, पलंग पे लेट के है, आंखा भी बंद है उनके। अरे पुप्पू सो गए होंगे। सो गए तो आवाज दिए तो उठ जाते, इतना पुकारा कर रहे तो भी नहीं उठ रहे और जवाब भी नहीं दे रहे हो ना, सांस भी रुक गई। या अल्लाह क्या हुआ कि पुप्पू को? अरे सुबह में नाश्ता तो सही कर रहे थे ना हीना। इंसान के साथ कब क्या होता मालूम होता नहीं ना जी। भाई चलो देखते पुप्पू को क्या हुआ जी। सना इधर आ, सच्ची बोल रही है ना तू? हाँ दीदी सच्ची कसम से, मैं तो देख के डर गई। इसका मतलब है बुढ़िया टपक गई। टपक गई? अब क्या होगा दीदी? होगा क्या, रोज रोज की बकबक से किचकिच से उनकी किटकिट से छुटकारा मिल गया, दे ताली। दीदी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या मतलब? दीदी फुप्पू जैसे भी हो अपनी थी ना, और दीदी बुजुर्गों का साया नसीब वालों को मिलता कते। फुप्पू साया नहीं साया, सताया थी सताया, हमेशा सताती रहती थी। अच्छा दीदी जाने दो, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, फुप्पू का तो इंतकाल हो गया, फुप्पू का घर तो फलकनामा में है और सबको मालूम फुप्पू फलकनामा में रहते बोल के। हाँ तो फिर? दीदी फुप्पू यहाँ आके है बोल के किसी को भी नहीं मालूम। हाँ ले आखिर बोलना क्या चाह रही तो? दीदी मुझे ये बताओ मतलब कुल मौत को कैसे मालूम हुआ फुप्पू यहाँ पे आके है बोल के? अरे फुप्पू के फोन के सिग्नल से मालूम हुआ रहेगा। ऐसा तो हम क्या करेंगे? फुप्पा आए तो देख पढ़ पढ़ के रोना, समझी? फुप्पा आए तो रोना? दीदी मेरे को रोना ही नहीं आता।
जिंदगी में कभी नहीं रोई। दीदी एक बार रोई थी देखो, वो भी मैट्रिक में फेल हुए टाइम पे। तो समझ ले आज तू फिर मैट्रिक में फेल हो गई। पप्पा जैसे ही आते हैं पढ़ के उनके सामने बस रोते रहे। क्या बोल के रोना दीदी? पप्पू कितने अच्छे थे ना जी तुम, इतना जल्दी जाने के दिन नहीं थे पप्पू, अभी आपके खेलने कूदने के दिन थे पप्पू, आपके अभी बकबक करने के दिन थे पप्पू। पप्पू तुम कितने अच्छे थे जी पप्पू, अब तुम चले गए हमारा क्या होता है जी पप्पू। पप्पू खाने पीने के भी दिन थे पप्पू और ना बुड्ढी के बकबक करने के भी दिन थे। चल जाको देखिए अंदर दोनों क्या कर रहे हैं। चलो आसिफ ये क्या हो गया जी आसिफ? अल्लाह की मर्जी है ना, जिंदगी का क्या भरोसा है। अमजद आसिफ अब जो हुआ सो हुआ, होनी को कौन टाल सकता है। जो जाके पप्पा को फोन करो। चलो भाई जो अच्छा हुआ चलेगी बुड्ढी, क्या बक 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 करते रहती थी, जीना हराम करके छोड़ी थी। अच्छा हुआ चलेगी, बोलती बंद होगी देखो। अरे दीदी ऐसा ना को बोलो, बिचारी फूफू। बिचारी क्या थी भी देखिए बुड्ढी में तो, बिचारी नहीं ने आफत की पुड़िया थी। सना मेरा दिल जलाई इसलिए बोल रही हूँ, पर एक बात का अफसोस है। कौन सी बात का दीदी? बेटी के शादी के अरमाना दिल में लेकर चले गई। हाँ दीदी इनको अमजद को अपना दामाद बनाने की बहुत ख्वाहिश थी, अब ये बुड्ढी आत्मा बन के काम भटकती की। ये खबर सुन के बिचारे फुप्पा के दिल पे क्या गुजरेंगी। बिचारा बुड्ढा भी इनसे तंग आ गया था। अब जान दो दीदी, चादर तो उड़ा दो। पप्पू तुम जिंदा हो? अभी मर गए थे ना? कौन मर गए के? अभी हम जिंदा हैं। जब तक अमजद की शादी शमा से नहीं हुई मैं मरने वाली नहीं हूँ। अरे क्या तो भी हुआ रे भाई अमजद, पप्पा को फोन करता नहीं करता आज? क्या कर रहा हूँ, फोन इस तो कर रहा हूँ, इंगेज आ रहा है इंगेज। कर कर फोन कर, मिला फिर से मिला। अजी आसिफ आसिफ फोन करे। नहीं करे नहीं करे, इंगेज आ रहा फोन। नको करो फोन, नको करो। बुड्ढी मतलब तुम्हारे पप्पू जिंदा है। जिंदा है भाभी? क्या मतलब? यकीन नहीं आ रहा तो चल के देखो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पप्पू जिंदा है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ पप्पू, आखिर क्या तो भी हुआ था? हम लोग इतना पुकार रहे थे आप उठ रहे नहीं थे, कहीं को तो भी ऐसा। अरे माठी मिले, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, पूरा घर फूलों से लाइटों से सजा हुआ था और अमजद शेरा बन के घोड़े पे दूर से चला आ रहा था और उधर शहनाइयों की आवाजें हो रही थी। अच्छा। और इधर मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर सजा रही थी। क्या बात है, काश इन लोगों की शादी जल्दी हो जाए, मैं भी फ्री तेरा बाप भी फ्री हो जाता। फिर से वही शादी के ख्वाब? मेरा नहीं। क्या ले को जा रहा है रे, कहाँ से आया तू, क्या है तो भी ये? फूफू अब्बा की फोटो है। मेरा बड़ा भाई रे, जमाने के बाद मैं देख रही हूँ मेरे बड़े भाई की फोटो। इन्हें मेरा भाई नहीं था, हम बहन भाइयों के वास्ते बाबा था, इन्हें बाप की जगह था, हमारी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता था, हमारी पूरी नहीं पूरी करता था। अल्लाह इतना प्यारा भाई था मेरा। जा लगा दे जा फोटो। ये देखो पप्पू ऐसा भी लगाते हो, ये लो। अब्बा अपनी जगह पे चले गए। पप्पू बस करो अब तुम्हारे ड्रामे, भूख नहीं लग रही, तुम ना खाना नहीं खाते, चलो खाना खाएंगे। तेरे को याद है तू छोटा था, मेरा भाई तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया, बोला शमा से इसकी शादी कराना तू जैतून बल के मारा। मेरी बेटी की शादी जब तक तुमसे नहीं हुई अमजद, जब तक का मेरे भाई को सुकून नहीं मिलता, जब तक का उन्हें नहीं सुकून मिलता। पप्पू अब बस करो पप्पू, भूख लग रही, चलो खाना खाएंगे। चलो 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 खाना खाएंगे चलो।
नौटंकी जैतून, अभी तक तेरी आदत नहीं गई। सीजन टू दीदी तेरा देवर दीवाना देखने के लिए ZK टीवी को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। दीदी तेरा देवर दीवाना सीजन 2।